और यही वो लोग हैं जो कि अच्छा बन जाएगा तो कहेंगे हम बनाए, खराब बनेगा तो फलाने बनाए, फलाने बनाए सब किसी। हाँ अभी ज्यादा क्लियर दिख रहा है। ये रहा थाना चौक, उसके जस्ट बगल में बाटा, उसके जस्ट बगल में हथुआ मार्केट और वन वे। हे गाइस वेलकम और वेलकम बैक टू आवर चैनल सोना सिंह। अभी हम लोग जा रहे हैं नैनी मंदिर जो कि बहुत फेमस है, वहाँ पे जो लोग जाता है वायरल हो जाता है, तो हम नहीं होने वाले बट एक बात कह रहे हैं। तो अभी ऑन द वे है हम लोग, शुरू से ऐसे मतलब सोचे अब बनाएंगे लेकिन भैया था कि गाना बंद ही नहीं कर रहा था, तो अभी कैसे बंद करवाए। उसके बाद में अभी हम ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं, अभी रास्ते में ही है, पता नहीं कहाँ पहुँचे हैं लोग। अभी लोकेशन ऐसे देखने भड़का है, हमको खुद नहीं पता अभी कहाँ पहुँचे हैं, बाकी जब पहुँचेंगे तो अब डायरेक्ट मंदिर जाके आपसे मिलते हैं। कौन कह रहा था अंदीना है तो भीड़ नहीं होगा? हाई भीड़, बाप रे काची की भीड़ है रे। श्वेतवा ब्लॉग में आ गए लव। श्वेता अच्छा लग रहा है आपको? अब नहीं है, बाप रे कितना विकसित हो गया यार मंदिर, 4 साल नहीं सो तो 4 साल बस हुआ है आए हुए, उतरे में लग रहा है आमी मंदिर से ज्यादा भीड़ यहाँ होने लगा। तहे दिल से माफी मांगना चाहेंगे क्योंकि आपको वॉइस ओवर थोड़े दूर मिलेगा, उसके बाद वॉइस वाला फिर से मिलेगा, लेकिन थोड़े दूर वॉइस ओवर वाला ही वीडियो आपको मिलेगा, बिकॉज आपको पता है हम बाहर में थोड़ा सा साई पर्सन है और अच्छा नहीं लगता है हर जगह खुद को दिखाना, तो इस वजह से मेरे को लगा नहीं, नॉर्मली पहले दर्शन वगैरह कर लेते हैं, उसके बाद अगर मौका मिला तो वीडियो करेंगे, अदरवाइज रहने देंगे। तो फिर मंदिर में हम लोग इंटर हुए, उसके बाद में पूजा पाठ किए जो कि वो सीन हम लोग नहीं रिकॉर्ड किए हैं, और उसके बाद में फिर मंदिर का जो भी बारीकी से होता है ना, हम कोशिश किए बारीकी से दिखाने का। तो ये सब मंदिर का कुछ सीन था, दीवार वगैरह हमको बहुत बहुत पसंद आ रहा था क्योंकि इसके पहले हम गए थे तो बस जल्दी जल्दी गए थे, पूजा पाठ करके आ गए थे लोग, तो इस बार हम सोचे इसको अच्छे से कैप्चर करेंगे, तो ये सब सीन हम थोड़ा बहुत उधर का लिए थे। मंदिर में हम लोग पहुँच गए, पूजा पाठ सब कुछ हो गया है, लेकिन जैसा कि हम लोग सोचे थे वैसा नहीं हुआ, भीड़ बहुत था, तो उस साइड का हम लोग अंदर का भी बनाए नहीं है, कोशिश करेंगे कि अंदर का भी वीडियो हम बना पाए, लेकिन वैसा भीड़ है ना थोड़ा, इसलिए हम लोग अनकंफर्टेबल हो रहे हैं, बहुत ज्यादा भीड़ है, बहुत भीड़ बहुत ज्यादा है, इसलिए थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा है लोग। पूजा पाठ हो गया है और इस साइड में ये लोग का अलग ही कुछ चल रहा है, ऐसे ना मतलब वीडियो का, बाकी अच्छा लगा आके। लेकिन हम 4 साल पहले आए थे मम्मी पापा के एनिवर्सरी टाइम, तो उस समय में इतना भीड़ या फिर इतना ज्यादा यहाँ पे तामझाम नहीं हुआ करता था, अभी आए लोग तो सब कुछ हो गया है, लेकिन फोटो वीडियो अभी कुछ बनाने में हम लोग सक्षम नहीं हो पा रहे क्योंकि भीड़ बहुत है। अभी मंदिर के बैक साइड में आके हम वीडियो कर रहे हैं, अजीब ही लग रहा है, लेकिन अभी कोई नहीं है इसलिए यहाँ पे कर लिए, बाकी देखते हैं अगर हो पाएगा तो आगे का भी वीडियो यहाँ का बनाएंगे, अदरवाइज घर चले जाएंगे लोग। और इसके बाद पूजा पाठ तो हम लोग किए थे, लेकिन जैसा कि हमने लास्ट टेक में कहा हम कोशिश करेंगे अंदर का व्यू दिखाने का, तो मंदिर के अंदर का व्यू कुछ ऐसा है, फिर भी हम आपको यही कहेंगे कि जैसा अभी आप देख रहे हैं उससे भी सुंदर और बहुत सुंदर मंदिर है ये सामने से देखने में। तो हम लोग दर्शन वगैरह किए, फिर अंदर का थोड़ा बहुत सीन रिकॉर्ड किए, देखे कि कितना सुंदर है ये, इन सबको कैप्चर करना चाहिए बिकॉज बहुत नाम सुने, हम पहले भी गए हैं इस मंदिर में, लेकिन उस समय तक मतलब हम बहुत छोटे हुआ करते थे 4 साल पहले, तो उस समय का वो समय था जब हम रिकॉर्ड ये सब नहीं करते थे, और उसके बाद में फिर आने से पहले मेरे को ध्यान आया मंदिर गए और टीका नहीं लगवाए, ऐसा लग रहा था अधूरा अधूरा सा, क्योंकि ये टीका लगने के बाद में ना सब लोग समझ जाते हैं कि हाँ हम वो मंदिर गए थे और कुछ लोग वहाँ टीका लगवा रहे थे, इस वजह से हम बोले थे रुकने, क्योंकि हम सोचे हमारे वजह से कोई किसी को रुकना ना पड़े, तो हम सोचे पहले लोग कर ले फिर हम टीका लेंगे। और उसके बाद में क्या हुआ, जब टीका वगैरह लगवा के हम लोग निकल गए मंदिर से, उसके बाद में मम्मी हमारी शॉपिंग अपना थोड़ा बहुत होता है ना, मम्मी शॉपिंग नहीं कर रही थी, ऐसा बात है, मम्मी शॉपिंग नहीं कर रही थी, ऐसा मान्यता होता है कि किसी धार्मिक स्थल पर जाएँ तो सुहाग का निशानी चूड़ी बिंदी वो बिंदी और सिंदूर एटलीस्ट ले लेना चाहिए, और जाते वक्त मंदिर कुछ ऐसा दिख रहा था तो ये भी सीन हम ले लिए थे क्योंकि ये सब कुछ यादगार बन जाता है, फिर हम कहाँ होंगे, कभी जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, इस वजह से ये सब कुछ हम रिकॉर्ड कर लिए हैं। बहुत देर से वो इस ओवर सुन सुन के आप लोग भी पक गए होंगे, तो अब ओरिजिनल वॉइस पे आते हैं। खाए पिए लोग कुछ नहीं क्योंकि मेला में का सामान कुछ अच्छा नहीं होता है, लेकिन पानी हम लोग हमेशा कैरी करते हैं, हम लोग नहीं करते हैं, मम्मी कैरी करती है, हम लोग पी जाते हैं लास्ट में जाके।
बाकी अब इधर से वापस हम लोग लौट रहे हैं, अच्छा लगा घूम के। पूजा पाठ अच्छा से सब हो गया। हाँ हाँ, तो 4 साल बाद आए, बहुत बहुत सारा चेंजेस दिखा यहाँ पे। खैर कोई नहीं, घूम लिए, घूमना था, बहुत दिन से दिन धर रहे थे। बाकी एक बार इनके साथ जरूर आना यहाँ पे। लोकेशन हम देख लिए, अच्छा था लोकेशन, घूमने लायक था। आप भी आ सकते हैं अगर आप देख रहे हैं तो, नेक्स्ट टाइम आपके साथ ही यहाँ आएंगे। बाकी लौटते हुए मंदिर दूर से कुछ ऐसा दिख रहा है, अब बहुत ज़्यादा इधर इस साइड में दुकान वगैरह बन गया है, लेकिन पहले ये सब कुछ नहीं हुआ करता था। पहले बस ओनली ये गेट था और गेट से सीधा मंदिर दिखता था, जो कि अब थोड़ा बहुत छिप गया है दुकान की वजह से। हर मंदिर का यही हाल है, आमी मंदिर भी हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे दुकान की वजह से ही छिप गया है। बाकी मंदिर वाला सीन ख़त्म होता है, अब हम लोग वाला सीन स्टार्ट होता है। अब हम लोग कहाँ कहाँ जाएंगे, क्योंकि अभी हम लोग घर नहीं जा रहे, अभी कहीं और होते होते घर पहुँचेंगे। कब तक क्या क्या करके जाएंगे, तब तक वीडियो में बने रहिए, आगे देखते रहिए क्या क्या होता है। एक जगह गाड़ी रुका है तो भैया सबको के लिए फ्रूटी लाया है। फ्रूटी है कि क्यूटी है पता नहीं, लेकिन बहुत छोटा है, पहला बार देखे लोग, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, इतना छोटा छोटा सा है। सब कोई के लिए आया है, सब कोई अपना अपना, अब उठा लीजिए, वीडियो बन गया है, अब उठा लीजिए लोग। बाकी इसका छोटू सा फ्रूटी थोड़ा बहुत मैच बना है मेरे कपड़े से। क्या ये कौन सा चौक है, सब कोई जानता होगा जो लोग छपड़ा में है। ये है थाना चौक, पता ही है सब किसी। हाँ अभी ज़्यादा क्लियर दिख रहा है, ये रहा थाना चौक, उसके जस्ट बगल में बाटा, उसके जस्ट बगल में हथुआ मार्केट और वन वे का टैग। ये हथुआ मार्केट से क्रॉस करते हुए हम लोग जा रहे हैं, तो सोचे चलो सब इकट्ठा कर लिया जाए वीडियो में, बिकॉज पता नहीं फिर इधर से कब गुजरे, क्योंकि इधर से गुजरते हैं तो वीडियो करने का मन नहीं करता है, क्योंकि बहुत भीड़ रहता है और भीड़ में हम लोग अनकम्फर्टेबल हो जाते हैं इस वजह से। बाकी हम लोग 6 महीने पहले इसी साइड में रहा करते थे, हेड पोस्ट ऑफिस में, और इस साइड में यही कुछ रेस्टोरेंट, बहुत भारी मार्केट इस साइड में है, तो इसीलिए इस साइड आते हम लोग हमेशा हैं, लेकिन वीडियो इस साइड में नहीं बनाते बिकॉज भीड़ बहुत ज़्यादा रहता है, बहुत ज़्यादा। इसमें कैमरा निकालने तक का अनकंफर्टेबल लगता है कि कैमरा निकालेंगे भी तो कोई क्या सोचेगा इतना भीड़ में, तो वो इस ओवर तक का वीडियो हम इस साइड का नहीं डालते हैं। बाकी भैया सोचे इधर से जा रहे हैं गाड़ी में तो आराम से रिकॉर्ड कर पाएंगे, इसलिए आज रिकॉर्ड कर लिए। बाकी हथुआ मार्केट चलते चलते अब हम लोग साहेबगंज भी आ गए, हेड पोस्ट ऑफिस जहाँ हम लोग पहले रहते थे, देखते हैं हो पाए तो वहाँ का भी सीन रिकॉर्ड कर लेंगे। यही है हेड पोस्ट ऑफिस जिसमें हम लोग पहले रहा करते थे, पीछे में एक बिल्डिंग है उसी में रहते थे। बाकी फिर हम लोग के पापा खुद का घर बना दिए तो हम लोग उसी में रहने लगे। जो सबसे पीछे कोना में बिल्डिंग दिख रहा है उसी में रहते थे लोग, यही है डाकघर। बाकी अब यहाँ से वीडियो, सॉरी ये वाला क्लिप यहीं पे ख़त्म हो रहा है, वीडियो नहीं, वीडियो अभी आगे भी है। बाकी सब जगह दोस्त होता है कि मजाक उड़ाने के लिए फेमस होता है, वो यहाँ बात, यहाँ पे भी वही बात है, मजाक ही उड़ता है, लेकिन ये फॉर्मेलिटी पता नहीं कब ख़त्म होगा। आने पे ये जो होता है ना फॉर्मेलिटी कर देना, अभी हमारे हस्बैंड को ये याद आ रहा होगा कि लास्ट टाइम जब वो आए थे वो भी इसी चीज़ से परेशान थे, यही कह रहे थे कितना फॉर्मेलिटी होता है ये सब, बात होगा तो उनसे भी। बाकी एक जो इसमें नहीं शामिल है उसका कॉल आ रहा है, पहले उससे बात कर लेते हैं लोग। तब हम बैक टू स्कूल डेज में आ चुके हैं, इधर मैगी, इधर फोक, इधर पानी, पानी वाला मैगी का तैयारी हो रहा है, लेकिन बस हम उस लुक में नहीं है, बाकी सब कुछ वही वाला है, पानी वाला मैगी। जब कभी इकट्ठा होते थे लोग ओनली पानी वाला मैगी, पानी वाला मैगी, उसी का तैयारी अभी कर रहे हैं लोग। बाकी इस साइड में देख सकते हैं मेहनती लोग, मेहनती लोग, ये इधर मैगी का तैयारी चल रहा है। बाप रे, लड़की घर जला देगी पूरा, घर जला देगी लड़की पूरा, इसको हंसी आ रहा है, हम कैमरा भी हटा देते हैं उसके तरफ से। ऐसा मैगी इनके द्वारा बना है, देखने में घटिया लग रहा है, बट अभी थोड़ा और खोलेगा, और खोलेगा तब हलवा टाइप का हो जाएगा, वही हम लोग को पसंद। हाँ, और पानी कौन लाया है उससे पूछ लिया जाए। हाँ, पानी हमारे अंदाजे से डाला था तो आई एक्सेप्टेड, बट
बना तो तुम रही हो ना, तुम बताना चाहिए जो पानी लगे इसमें देगा उसी के हिसाब से हम बस डाले। यहाँ पे डालने वाला तीन आदमी था, वो ब्लॉग में देखा है लोग। और यही वो लोग है जो कि अच्छा बन जाएगा तो कहेंगे हम बनाए, खराब बनेगा तो फलाने फलाने बनाए। सही बात है, ये डायलॉग बहुत वायरल है। बाकी चम्मच बहुत अच्छा लग रहा है, मल्टी कलर वाला पूरा। डेक्ची का स्थिति कैसा हो गया आप देख सकते हैं, लेकिन इसमें वो टैलेंट है कि वो उससे भी क्लीन कर सकती है। लेकिन माज की नहीं है, उतना भी टैलेंटेड नहीं है। माज की क्लीन नहीं करेगी, अब वो कैसे करेगी वही जाने, उसका टैलेंट है। माज की पानी पी रही है, तैयार हो रही है साफ करने के लिए। अभी हम बोले नहीं है कि वो कैसे साफ करेगी, लेकिन खुद ही बता देगी। इसी बात पे फॉलोअर्स, पता तो आपको चल ही गया होगा। इसी बात पे फॉलोअर्स बढ़ा दीजिए, जैसे ये कह रही है ना, फॉलोअर्स बढ़ेगा, फॉलोअर्स सब्सक्राइबर्स बढ़ेगा, देखते हैं कितना बढ़ता है इससे। अच्छा ठीक है, हम कैमरा ऑफ कर देते हैं। इतना सब कुछ होने के बाद में हम लोग आ चुके हैं घर, और ये वाला शायद लास्ट टेक है इस वीडियो का। तो इस वीडियो में बस इतना ही, जितना कुछ आप लोग देखे इंजॉय किए कि नहीं और यहाँ तक वीडियो पहुँचे हैं, तो प्लीज़ एक और एहसान करेगा, कमेंट जरूर ड्रॉप करेगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।